बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले गुजरात में BSNL कंपनी का टावर एवं कवरेज की हालत अति आधुनिक दयनीय है। अमरेली जिले में कुल 619 गांव और 9 शहर है। इसके बावजूद यहां BSNL कंपनी के सिर्फ 289 टावर का एक्टिव है। सभापति महोदय, मैं अमरेली जिले में 2G के 157, 3G के 63 और 4G के 69 कुल मिलाकर 295 टावर है, जिनमें से अभी 289 टावर की एक्टिव है और 6 टावर काफी दिनों से बंद है। मेरे क्षेत्र में तौके तूफान के बाद इन 289 टावर में से ज्यादातर टावर बैटरी और मशीनरी की तकनीकी खराबी से कारण अभी बंद रहते हैं, तो वर्तमान में करीबन 10 टावर आज भी मशीनरी एवं तकनीक की कमी से चलते हुए बंद है। अमरेली जिले में लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड के रिपेयरिंग कार्य के लिए प्रति मास 1 किलोमीटर OFC केबल और 40 900 जॉइंट की आवश्यकता रहती है, लेकिन BSNL की क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से उपयुक्त सामान और मशीनरी और केबल 3-3 महीने के बाद भी नहीं मिलते, जिसके चलते अमरेली की समस्या के निवारण करने काफी देरी होती है। साथ ही अमरेली जिले में प्राइवेट सरकारी और अर्ध सरकारी जमीन पर खड़े टावर का किराया करीबन 31 लाख से ज्यादा है, पिछले 11 महीनों से बाकी है, जिनमें चलते प्राइवेट जमीन धारक त्वरित पेमेंट करने की बात करते और BSNL टावर हटाने की मांग करते, परंतु उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे जिले में बसे पिछड़ा हुआ है, जिला में BSNL हेड ऑफिस है, मेरे जिले की आवश्यकता है कि काफी कम और काफी विलम्ब के मशीनरी एवं केबल के दिए जा रहे, जिसके चलते मेरे क्षेत्र लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी अमरेली BSNL की आर्थिक तंगी और मशीनरी की कमी के कारण नए लैंडलाइन कनेक्शन देना ही बंद कर दिया। अंत में मेरे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनके सभी तकनीकों को ध्यान से रखते हुए अमरेली जिले को BSNL के संबंधित काफी कमियां का दूर करें। धन्यवाद।